हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स, दिस इज माई। तो गाइज आज बात करने जा रहे हैं, जैसे कि 4 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारा रीजंस था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। अब मैं आज बात करूंगा कि जो जो स्टूडेंट क्लास 12th में है, जो स्टूडेंट क्लास 10th में है एंड वो अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं 2020-2025 में, ठीक है। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जो जो स्टूडेंट 2024 एंड 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 2024 एंड 2025 आई मीन 2024-25 में अपना जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो आपके रिलेटेड किससे है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, सभी सब्जेक्ट में लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या मेजर रीजन होता है, क्या ऐसा रीजन होता है कि लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, सारी चीज में बात करता हूं, ठीक है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले बिफोर नो अबाउट योर बेसिक, आपको पहले बेसिक जानना जरूरी है। पहले क्या आप जानेंगे, बिफोर नो अबाउट योर बेसिक, सबसे पहला आप बेसिक को क्लियर कीजिए। दूसरी बात यह है कि आपको सिलेबस पे ध्यान देना है कि सिलेबस क्या रिक्वायर्ड है, सिलेबस की क्या रिक्वायर्ड है उसको ध्यान देना है। तीसरी बात कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, डिपेंड आपके ऊपर होता है, ठीक है। पांचवी और चौथी बात, आप कितने हावर्स सेल्फ स्टडी दे रहे हैं, दीज आर पार्टिकुलर रूल्स आर मैटर्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इन योर प्रिपरेशन। आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है, तो सारी चीजें मैटर रखती है। पहला, बिफोर यू नो अबाउट द बेसिक, देन यू मूव, आपको किस पे जाना है, रिक्वायर्ड होता है सिलेबस का, अगेन टीचर का, उसके बाद सेल्फ स्टडी का, लास्ट में बात होता है कि जब एग्जामिनेशन करीब आ जाता है तो हमारा PYQ होता है, मॉडल पेपर होता है, प्रीवियस ईयर पेपर होता है, ये बहुत सारी चीजें हमने बताया जाता था आपको, मैं ऑलरेडी बता रहा था, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको कल के वीडियो में, और कल के वीडियो में मैं आपको एक बात और बता दूं कि क्लास 9th-12th के लिए हर सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे मैथ्स हो गया, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग सद्गुरु रैंकर्स एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग ऑलवेज सद्गुरु रैंकर्स, ओके, लव यू ऑल।